वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज आपके लिए मैं काफ़ी जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ। बाकी तो आपने थंबनेल देखकर समझ लिया होगा, बट जो थंबनेल में लिखा है वो बहुत ही कम है। इसके अंदर आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेती हैं कि जीबी व्हाट्सएप का बैकअप कैसे ट्रांसफर करना है आपको अपने व्हाट्सएप के अंदर। ये तो होगा ही होगा। अगर आपके मैसेज डिलीट हो चुके हैं उसको रिकवर कैसे करना है, तो वो भी रिकवर हो जाएगा जब आप अपने व्हाट्सएप के अंदर शिफ्ट हो जाओगे। जितना भी आपका बैकअप हो जीबी का, जब आप व्हाट्सएप के अंदर शिफ्ट हो जाओगे तो आपका जो डिलीटेड मैसेज है वो भी रिकवर हो जाएंगे और ही प्रॉब्लम जो आपकी सॉल्व हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो के ऊपर अच्छे से बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप छोटा पार्ट मिस करोगे तो यार आपका बैकअप ट्रांसफ़र होने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसीलिए पूरा वीडियो का ध्यान देना, ध्यान से समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। जहाँ पर आपको समझ नहीं आता वहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर वो स्टेप आपको अप्लाई करना है। इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप फिर से बाद में पीछे आओगे, फिर से आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा पहले से अच्छे से देख लो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते सीधे मेन टॉपिक के अंदर। आपको अपना जी व्हाट्सएप को ओपन करना है, तो जहाँ पर मैं जी व्हाट्सएप को पहले ओपन कर लेता हूँ। जी व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद ऐसे जहाँ पर काफ़ी सारी मेरी चैट है, सारी चैट को मैं ट्रांसफर करूँगा अपने रियल व्हाट्सएप के अंदर। तो सबसे पहले आपको टॉप के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके मैसेज डिलीटेड है उसको रिकवर करना है, फिर आपको यहाँ पर बैकअप नहीं लेना है। अगर आपको सीधे ट्रांसफ़र करना है अपने जो भी मैसेज आपको ट्रांसफ़र करने हैं, फिर आपको बैकअप लेना है। तो आपको फिर से बता दूं, अगर आपको अपने डिलीटेड मैसेज भी रिकवर करनी है तो आपको बैकअप बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको अपने डिलीटेड मैसेज रिकवर नहीं करने से ट्रांसफ़र करना है अपने व्हाट्सएप के अंदर, फिर आप बैकअप यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जो मैं डिलीटेड मैसेज का रिकवर मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं डिलीट मैसेज अभी करे भी नहीं है, तो सीधे जो बैकअप मैं ट्रांसफ़र करूँगा अपने व्हाट्सएप के अंदर। तो सबसे पहले मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर चैट्स के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको चैट बैकअप के ऊपर क्लिक करके पूरा बैकअप फिनिश करना है। तो यहाँ पर मेरा बैकअप हो चुका है। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपको टॉप के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको जीबी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यूनिवर्सल, देन आपको बैकअप एंड रिस्टोर के ऊपर क्लिक करना है और आपको फर्स्ट बैक के ऊपर क्लिक करना है जिसका नेम है बैकअप व्हाट्सएप डाटा। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर जो मेरा बैकअप स्टार्ट होने लगा है, तो मेरा बैकअप फिनिश हो चुका है। उसके बाद आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन करना है और आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नेम है CX फाइल एक्सप्लोरर। तो आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन के अंदर। उसके बाद आपको ये वाला ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैंने ऐप को ओपन कर लिया है। उसके बाद जाना को अपनी मेन स्टोरेज के अंदर। देन आपको यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है जिसका नेम आप रख सकते हो, अपना नेम, खुद का नेम रख लो। तो यहाँ पर मैं अपना नेम रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने नेम का ही फोल्डर बना लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एंड्रॉइड का फोल्डर ओपन करना है। देन आपको मीडिया का ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा com.gbwhatsapp, इसको ओपन करना है। देन जी व्हाट्सएप जितने फोल्डर हैं सारे फोल्डर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। इसको करना है जहाँ से आपको कॉपी। उसके बाद आपको बैक आना है, फिर से आपको बैक आना है, फिर से आपको बैक आना है, फिर से बैक आना है। आपको कितनी बार बैक आ रहा है, बैक तो आपको आना है, ठीक है। उसके बाद जो आपने एक फोल्डर में, जो आपने अपने नेम का फोल्डर बनाया है उसके अंदर आपको इसको पेस्ट करना है। तो जहाँ पर मैं अपने नेम के फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो जहाँ पर जो मैं डेटा वो पेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है। बस वीडियो का पूरा ध्यान देखना भाई, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। अगर छोटा पार्ट मिस हुआ तो यार बैकअप करने में परेशानी आ सकती है, इसलिए आप पहले से पूरा वीडियो का ध्यान दे लो। वीडियो स्किप वगैरह कुछ मत करना। जहाँ पर जो मैं बैकअप फिनिश हो चुका है, उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एंड्रॉइड का फोल्डर ओपन करना है। देन आपको मीडिया को ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है जिसका नेम आपको रखना है com.whatsapp। तो स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करना, जैसा लिखना बिल्कुल वैसे लिखना है और आपको स्पेस बिल्कुल नहीं देना, स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद आपको com.whatsapp को ओपन करना है और जहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाना है जिसका नेम आपको रखना है व्हाट्सएप। तो स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करना है, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ स्मॉल में, बड़े में, जैसे लिख रहा हूँ बिल्कुल आपको वैसा लिखना है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया व्हाट्सएप नेम का फोल्डर। उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद जो आपने अपने नेम का फोल्डर है वो आपको ओपन करना है। देन आपको सारे फोल्डर जहाँ से सिलेक्ट करने हैं, इसको करना जहाँ से आपको कॉपी। देन आपको जाना है बैक और आपको जाना है अपने एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर। उसके बाद मीडिया, देन जो आपने एक फोल्डर है जिसका नेम है com.whatsapp, देन व्हाट्सएप ओपन कर लेना है और जहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो जहाँ पर जो मैं डाटा है वो कॉपी हो रहा है। ये सब करने के बाद ये आपका सारा काम खत्म हो चुका है। अब आप क्या करना है, आपको जी व्हाट्सएप को लॉन्ग प्रेस करना है। तो जहाँ पर मैं जी व्हाट्सएप यहाँ पर होल्ड करता हूँ, ठीक है, जहाँ पर मेरा जी व्हाट्सएप कहाँ गया, तो ये रहा मेरा जी व्हाट्सएप। उसके बाद आपको जाना अपने ऐप इन्फो के अंदर। देन आपको, नहीं तो आप ऐप मैनेजमेंट जहाँ पर अपना जी व्हाट्सएप ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है क्लियर कैच के ऊपर, आपको यहाँ से क्लियर कैच करना है।
तो जहाँ पर मैंने क्लियर कैच करा है, आपको क्लियर डेटा नहीं करना है, सिर्फ क्लियर कैच ही करना है, ठीक है। तो मैंने कर दिया है। उसके बाद आपको प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना है। तो व्हाट्सएप को इंस्टॉल करने के बाद आपको व्हाट्सएप को यहाँ से ओपन करना है। तो जहाँ पर मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ, तो जहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो जहाँ पर मैं लैंग्वेज ले सकता हूँ इंग्लिश, बाकी आपकी जो भी मर्जी आप ले सकते हो, मराठी, हिंदी, जो भी आपकी गुजराती, जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं एग्री कंटेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और अपना फ़ोन नंबर एंटर करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई विद SMS करना है, देन आपके फ़ोन के ऊपर OTP आएगा जो आपको एंटर कर लेना है। यहाँ पर मेरा OTP वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना पिन एंटर कर लेता हूँ। तो काफ़ी लोग कमेंट करती हैं, DM करते हैं कि भाई ये कौन सा पिन है, हमारे में देखने को नहीं मिलता। तो भाई ये मेरा व्हाट्सएप का लॉक है, आपके नहीं है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा लॉक है, ठीक है। जहाँ पर मैं अपना पिन एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, नोट नाउ मत करना, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको लॉक करना है। उसके बाद हमें बैकअप फॉन्ट कर लेगा। तो काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं, जो हमारा बैकअप होता है वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, राउंड करता रहता है। तो भाई क्या होता है कि आप फाइल ट्रांसफ़र सही से नहीं करते हो, तभी आपका जो बैकअप घूमता रहता है। तो जहाँ पर आपको रीचो के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद सारे मैसेज ट्रांसफर हो जाएंगे मेरे व्हाट्सएप के अंदर। तो जहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और अपना नेम एंटर मैंने कर लिया है, तो जहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर डेली की जगह आपको नेवर करना है, बाकी आऊँगा। उसके वजह से मैं डन के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन अपना पिन एंटर कर लेता हूँ फिर से ना। तो जितने मैसेज, सारे मैसेज में ट्रांसफर हो चुके हैं मेरे व्हाट्सएप के अंदर, तो सारे मैसेज देख सकते हैं आपके सामने है, जो मैं मीडिया चैट सब कुछ यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है मेरे व्हाट्सएप के अंदर। तो बिल्कुल आपको ऐसा कहने सको मैं करके बताया है। अब आप चाहो तो अपने जी व्हाट्सएप को यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, क्योंकि आपके मैसेज ट्रांसफर हो चुके हैं। यो आपके लिए, अगर आपके लिए लाइक करा, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज नहीं मिल सकते नेक्स्ट वीडियो के अंदर।